दोस्तों नमस्कार, अभिनंदन, आभार। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू आवर चैनल, योर ऑनलाइन पार्टनर, एंड वेलकम इन मैथ्स क्लास। पिछले क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे परसेंटेज के ऊपर, तो परसेंटेज से तो ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है। हाँ, उसका लॉजिक जो है अदर जो चैप्टर है उसमें उसका यूज होता है। तो लगभग जितना ज़रूरत था हमने परसेंटेज से डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। तो लाभ और हानि से भी उसी तरह का है जैसे 2016 तक काफ़ी क्वेश्चन आता था इसमें, लेकिन ये पिछले दो साल से जो है सीटेट का जो ट्रेंड थोड़ा चेंज हुआ है क्वेश्चन आने का, तो उसमें मैक्सिमम सीटेट प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन थोड़ा कम हो गया है। कुल मिला के 1.5 साल से तो आया भी नहीं है, तो फिर भी इसको एक शॉर्ट करके हम लोग जो क्वेश्चन का जो वेरिएशन होगा और जो बेसिक कंसेप्ट है उस पर चर्चा कर लेंगे, तो और सीटेट का जितना भी तक का क्वेश्चन आया हुआ है सारे पे चर्चा करने के बाद आप इनकेस एग्जामिनेशन में आए तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस की जब हम बात करें, लाभ और हानि, अब इसमें तीन वेरिएबल आता है, क्या क्या? तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, सीपी कह देते हैं उसको। सेकेंड में आपका सेल प्राइस, विक्रय मूल्य, और लास्ट में आपका मार्क प्राइस, ये अंकित मूल्य। जब हम जो भी बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन में इसी तीन के बारे में चर्चा रहेगा। तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस हो गया, जिस पे आप कोई चीज़ खरीदते हैं किसी दाम पे, जो उसका प्राइस है, और सेल प्राइस हो गया यदि जिस पे कुछ प्रॉफिट लेके या कुछ लॉस या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस कुछ भी करके आप सेल कर देते हैं। तो पहले खरीदते हैं फिर बेच देते हैं, तो उस और यूजली क्या होता है कि जो आपका कई बार होता है कि मार्क प्राइस रहता है, लेकिन मार्क प्राइस पे कुछ डिस्काउंट देके जो है आपको दुकानदार आपको देते हैं, तो इस केस में जो है आपका वो क्या हो जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा। तो ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस और मार्क प्राइस, ठीक है। तो यूजली क्या होता है कि प्रॉफिट जो होगा हम लोगों का, प्रॉफिट या लॉस जो दोनों है, वो हम लोग किस पे कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। और डिस्काउंट जो कैलकुलेट करेंगे हम किस पे कैलकुलेट करेंगे, मार्क प्राइस पे। डिस्काउंट जो हम लोग मार्क प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो आप परसेंटेज में जब देख रहे थे तो हम लोग एक आसान सा डेरिवेशन किए हुए थे, यदि कोई इनिशियल है वैल्यू या फाइनल वैल्यू है, इस पर यदि कोई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो तो हम लोग इसका वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करते थे। फॉर एग्जांपल यदि इनिशियल वैल्यू ये है और एक्स परसेंट आप मान लीजिए इंक्रीज कर रहे हैं वैल्यू को, तो क्या हो जाएगा वैल्यू, आई इंटू ऊपर में कर देते थे 100 प्लस एक्स बाई 100। और यदि मान लीजिए कि फाइनल वैल्यू है दिया हुआ है और एक्स परसेंट का इंक्रीमेंट है, तो इनिशियल वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, इसके नीचे में हम लोग एरो के अपोजिट जा रहे हैं तो 100 बाई 100 प्लस एक्स, इसी तरह से तो करते थे 20। तो ये आपका काफ़ी जगह अप्लीकेबल है। अब कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस में भी आप देखेंगे कि इसको हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे कॉस्ट प्राइस है, इस पर आप मान लीजिए कि कुछ प्रॉफिट ले लेते हैं पी परसेंट, तो हमारा जो सेल प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस इनटू क्या हो जाएगा वैल्यू, 100 प्लस पी बाई 100, ये तो हो जाएगा। और यदि आपको सेल प्राइस दिया हुआ रहे और पी परसेंट प्रॉफिट दिया हुआ रहे, तो इस केस में जो आपका कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेल प्राइस इंटू 100 बाई 100 प्लस पी। तो ये बेसिक डेरिवेशन है जिसका हम लोग इसको पिछले क्लास में हम लोग देखे हुए थे कैसे आएगा इस तरह का। तो जो भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है तो उसको यहाँ पे, तो उसके अगेंस्ट में आप कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, ये दिया है, तो आप सेल प्राइस निकाल सकते हैं। सेल प्राइस दिया हुआ है, प्रॉफिट या लॉस परसेंट दिया है, तो आप कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए,
तो ये हमारा जो बेसिक मेथड रहा, बेसिकली करते क्या है, देखिए कहाँ से आता है। तो ये जो कॉस्ट प्राइस है उसमें जब कॉस्ट प्राइस का प्रॉफिट परसेंट जब जोड़ देंगे हम लोग, कॉस्ट प्राइस में कॉस्ट प्राइस का प्रॉफिट परसेंट जितना होगा यही तो हो जाएगा आपका सेल प्राइस, ठीक है। इसका मतलब हो गया यदि यहाँ से आप कॉस्ट प्राइस जो है कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, 1+P/100, यही तो हो गया सेल प्राइस, ठीक है। मतलब हो गया सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू ऊपर में एलसीएम लेकर के लिख दीजिए, यही तो हम काम कर रहे थे। यदि कॉस्ट प्राइस दिया हुआ हो, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ हो, तो सेल प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस इंटू 100+P/100, ठीक है। अब इसी से जो है आप कॉस्ट प्राइस निकालना हो, सेल प्राइस दिया हो, प्रॉफिट दिया हो, तो इसी इक्वेशन से देखिए आप क्या निकल जाएगा, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेल प्राइस इंटू 100/100+P, ठीक है। तो एक ही इक्वेशन से आपका दोनों आ रहा है। तो जब आपका कॉस्ट प्राइस दिया हुआ रहे और सेल प्राइस निकालना रहे, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दिया हुआ रहे, तो आप कैसे कैलकुलेट करिएगा, सेल प्राइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस इंटू 100/100+P, ठीक है। और यदि आपका सेल प्राइस दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालिएगा, सेल प्राइस इंटू 100/100+P, ठीक है। चलिए ये रहा आपका, मान लीजिए कि 500 रुपये आपका कॉस्ट प्राइस है, इस कॉस्ट प्राइस है 500 रुपया, 10% प्रॉफिट लेके आप बेचा जाता है, तो कितना रुपया प्रॉफिट होगा ये कैलकुलेट कर सकते हैं। 500 का 10% सीधा कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा वो जो है आपका निकल जाएगा। साथ ही साथ यदि हम सीधा सेल प्राइस निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, 500 × 100+10/100, यहीं से हमारा आ जाएगा 550। वैसे भी आप देख ही सकते हैं 500 का 10% जो है 50 होगा, और 500 + 50 550 हो जाएगा आपका सेल प्राइस, ठीक है। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन को फिर थोड़ा उल्टा कर देते हैं, सेल प्राइस दिया हुआ है, 10% प्रॉफिट पे आप ले रहे हैं, तो आपका कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 550 × 100/110, ये तो हो जाएगा, कैंसिल आउट कर देंगे, फिर यहाँ से ये भी जो है आपका 500 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट दिया है, सेल प्राइस आ जाएगा, सेल प्राइस दिया है, कॉस्ट प्रॉफिट या लॉस परसेंट दिया हुआ है, तो आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, ठीक है। तो ये यदि मान लीजिए लॉस के केस में क्या हो जाएगा, मान लीजिए एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि 700 रुपीज़ है, इस पर जो है हमको लॉस हो रहा है 10%, निगेटिव सिंबल दे दिए, इसका मतलब हो गया कि लॉस हो रहा है। तब 700 रुपये में कोई चीज़ आप खरीदे, 10% लॉस के साथ यदि बेच दीजिएगा तो कितना हो जाएगा लॉस, तो सीधा कैलकुलेट कर लेते हैं, सेल प्राइस कितना हो जाएगा, 700 × इसमें क्या करना पड़ेगा, 100 - L, तो 100 - L क्या हो जाएगा, 100 - 10 × 100, 90 जो है आपका ये हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 630 रुपये, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस है, आपको लॉस परसेंट दिया हुआ है, तो आप यहाँ से सेल प्राइस निकाल सकते हैं, बाय द वे 700 रुपये का 10% 70 रुपया, और 70 रुपया जो है आप इसमें माइनस कर दीजिए 700 में, तो आपका सेल प्राइस आ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस में यदि प्रॉफिट लॉस तीनों में से कोई एक दिया हुआ है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि 700 रुपये में आप कोई चीज़ खरीदे और आपको 70 रुपये का लॉस हो गया, ₹70 का लॉस हो गया, तो ऑब्वियसली आपका सेल प्राइस कितना हो जाएगा, 630 रुपये। हमको पता करने की प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, तो जैसे हम लोग इनिशियल फाइनल वैल्यू में करते थे, इनिशियल वैल्यू है, फाइनल वैल्यू है,
तो कितना परसेंट इंक्रीज किया, यदि वो निकालना पड़े तो कैसे निकालते थे, ये वैल्यू हो गया फाइनल माइनस इनिशियल। तो परसेंटेज इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट यदि निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 5 माइनस आई डिवाइड बाय आई इंटू 100, ऐसे ही करते थे। उसी तरह से प्रॉफिट परसेंट यदि कैलकुलेट करना हो तो 700 पे 70 का प्रॉफिट है, तो 70 बाई 700 इंटू 100 मतलब कितना प्रॉफिट हो गया आपको, ये आपका 10% प्रॉफिट हो गया। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जो कॉस्ट प्राइस पे ही ऑलवेज जो आपका प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट जो है ऑलवेज किस पे कैलकुलेट किया जाता है, कॉस्ट प्राइस पे, और डिस्काउंट जो है कल किस पे किया जाता है, वो आपका जो अंकित मान होता है मार्क प्राइस पे, ठीक है। चलिए तो ये रहा आपका बेसिक कंसेप्ट। अब देखिए इसी पे सारा क्वेश्चन किस तरह से आपका बनेगा, बस आपको क्या ध्यान में रखना है, कॉस्ट प्राइस है तो प्रॉफिट परसेंट दिया है तो सेल प्राइस सीधा आपको इस तरह से कर लेना है, सेल प्राइस है प्रॉफिट परसेंट है तो आपको कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ठीक है। चलिए अच्छा एक क्वेश्चन है हमारे पास कि एक पेंसिल का जो 11 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस है 10 रुपया और 10 ऑरेंज का सेल प्राइस है 11 रुपये, तो 11 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस है आपका, कॉस्ट प्राइस है आपका 10 रुपये, ₹10, एंड 10 ऑरेंज का जो है आपका सेल प्राइस है ये ₹11, ठीक है। तो इसे बताना है आपको कि कितना प्रॉफिट या कितना लॉस होगा। 11 ऑरेंज का प्राइस है 10 रुपये और 10 ऑरेंज का प्राइस है बेच रहा है, इसको सेल कर रहा है 11 रुपये में, तो इसका परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस क्या होगा। इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में सीटेट में आया हुआ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो बेसिक क्या करेंगे, देखिए हम लोग कोई भी परसेंटेज जो है प्रॉफिट परसेंट जो है आप एक सामान पे कैलकुलेट करिए या 10 सामान पे, प्रॉफिट परसेंट जो इक्वल ही आएगा। मान लीजिए कि कोई चीज़ आप 10 रुपये में खरीदते हैं 11 रुपये में बेचते हैं, 10 रुपये में खरीदते हैं 11 रुपये में बेचते हैं, परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा, 1/10, 1 रुपया हुआ 1/10 मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब ये क्या हो गया आपका 10% प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब यदि हम मान लें कि इस तरह का हम 10 सामान खरीदते हैं, एक सामान खरीदे थे 10 रुपये में खरीदे थे 11 रुपये में बेच दिए, तो उसमें प्रॉफिट परसेंट हमारा निकल गया 10%। हम निकालना चाहते हैं कि इस तरह का हम 10 सामान खरीदे थे तो उसका जो है प्रॉफिट परसेंट कितना निकलेगा। 10 सामान जब खरीदे थे तो एक का दाम है 10 रुपये, तो 10 का दाम कितना हो जाएगा 11 रुपये, सेल प्राइस क्या हो जाएगा, एक को आपने बेचा 11 रुपये में तो 10 को बेचेंगे 110 रुपये में, लाभ कितना हो गया 10 रुपये, प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा 10/100 इंटू 100, ठीक है। यहाँ से भी देखिए 10% आ गया, तो कुल मिला के आप एक पेन रहे या एक ऑरेंज रहे उसका प्राइस जितना होगा, एक ऑरेंज पे जितना भी कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस है उसके रिस्पेक्ट में जो भी आपका प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट आएगा वही आएगा आपका, यदि 10 उस तरह का 10 पेन पेंसिल या फिर ऑरेंजेस जो भी है, तो 10 प्रोडक्ट जो भी है आपका वो सेम आएगा। तो एक पे निकालिए या 100 पे निकालिए या 200 पे निकालिए, प्रॉफिट परसेंट या प्रॉफिट लॉस जो है ऑलवेज एक समान आता है, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट की बात कर रहे हैं, प्रॉफिट नहीं, बाय द वे एक में आप बेचेंगे तो यहाँ 1 रुपये का प्रॉफिट आएगा, लेकिन 10 को बेचिएगा तो यहाँ पे आपको 10 रुपये का प्रॉफिट आ जाएगा, है कि नहीं। लेकिन प्रॉफिट परसेंट जो है दोनों केस में इक्वल होता है, और क्वेश्चन में जब तक कहा नहीं जाए तब तक आपको जो है मैक्सिमम टाइम जो है आपको कंसेप्ट यही कि प्रॉफिट लॉस जो है आपको कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट होगा। यदि क्वेश्चन में मान लीजिए कह दिया कि नहीं सेल प्राइस पर कैलकुलेट करिए तब तो सेल प्राइस पर करना पड़ेगा, लेकिन यदि कुछ नहीं कहा हुआ है तो आप क्लियरली है कि प्रॉफिट एंड लॉस जो है ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारा कि 11 ऑरेंज को आप 10 रुपये में
खरीदते हैं और 10 ऑरेंज को 11 रुपए में बेचते हैं तो आपका परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस क्या होगा। ठीक है, एक तरीका तो हमारे पास है, एक का निकाल ले। एक का निकालेंगे या 10 का निकालेंगे बात तो एक ही है। तो एक का यदि हम निकाल ले, 11 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस है 10 रुपये, तो एक का दाम क्या हो जाएगा, 10/11, 10/11। ठीक है, ये हो गया 10/11। एक का कॉस्ट प्राइस हो गया आपका 10/11। दूसरे का सेल प्राइस देखते हैं, 10 ऑरेंज को आप बेच रहे हैं 11 रुपये में, तो एक ऑरेंज को कितने में बेचिए, 11/10, सेल प्राइस ये हो गया। अब कॉस्ट प्राइस ये है, सेल प्राइस ये है, तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट तो कैलकुलेट हो ही जाएगा। मैदी भी यहाँ पे तो प्रॉफिट हो रहा है, परसेंटेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 11/10 माइनस 10/11 डिवाइड बाई एक का कॉस्ट प्राइस क्या है, 10/11 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, इसका वैल्यू जो भी आएगा वही आपका परसेंटेज प्रॉफिट हो जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया आपका। दूसरा तरीका क्या हो सकता था जो आपको थोड़ा सा और आसान लगता सॉल्व करने में, मान लीजिए कि हम यहाँ पे टोटल मान लेते हैं, टोटल हमारे पास जो ऑरेंज है ये 110 ऑरेंज है। ठीक है, अब एक पे निकालेंगे 110 पे निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट तो सेम हो गई। तो टोटल ऑरेंज मान लिए हम 110, तो 11 ऑरेंज का दाम यदि 10 रुपये है तो 110 ऑरेंज का प्राइस कितना हो जाएगा, तो 11 है तो 10, तो 10 × 10 100 रुपये। तो टोटल ऑरेंज यदि 110 हो तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाता है आपके, 110 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, अब सेल प्राइस की बात करें तो सेल प्राइस 10 ऑरेंज को बेच रहे हैं हम लोग 11 रुपये में, और तो 110 ऑरेंज को कितने में बेचेंगे, तो बेसिकली 121 रुपये में। ठीक है, तो यहाँ पे 100 रुपये में आप खरीदे, 121 रुपये में बेचें, तो लाभ कितना होगा, परसेंटेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 21%। 21/100/100 वैद्य तो 100 पे ही तो परसेंटेज होता है, तो जस्ट 21% लिख दिया हमने। तो कुल मिला के जो ये था आपका, पहले एक आर्टिकल पे हमने कैलकुलेट किया, उसके बाद जो है 110 आर्टिकल पे कैलकुलेट किया, तो हमारा 21% वहाँ से भी 21% ही आएगा। अब बात ये है कि हमने 110 क्यों माना था, 110 इसलिए मान तो आप कुछ भी सकते थे, 110 हम इसलिए माने थे कि हमको कैलकुलेशन में आसानी हो। ये 11 ऑरेंज था, ये 10 ऑरेंज था, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लिख लिए ताकि हमको डिवाइड और गुणा करने में आसानी हो। 110 के जगह पर यदि आप 220 करते तो वो भी सही है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा गुना पड़ता, परसेंटेज वही आएगा। तो कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस का जो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। इसके अलावा और एक तरीके से आप कर सकते हैं, पहले तो एक पे निकाले आप, उसके बाद जो है 110 ऑरेंज मान के निकाले, क्योंकि यहाँ पे 11 ऑरेंज था, यहाँ पे 10 ऑरेंज था। ठीक है, अब तीसरा तरीका देखते हैं, सेम जो 110 ऑरेंज मानने का जो तरीका था उसी से क्या करते हैं, पहले कॉस्ट प्राइस लिखे, 11 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस है 10 रुपया, सेल प्राइस लिखे, 10 ऑरेंज का सेल कितना में होता है, 11 रुपये में। तो कैसे करेंगे इसको, इस तरह से गुना करिए, ये पहले कॉस्ट प्राइस लिखे फिर सेल प्राइस लिखे, गुना कर दिए, तो ये हो गया आपका 100, ये हो गया 121, परसेंटेज प्रॉफिट हो गया कितना, 21%। ठीक है, ये क्वेश्चन देखने के साथ ही आप इसमें कर सकते हैं, पहले कॉस्ट प्राइस लिखे फिर सेल प्राइस लिखे, फिर 11 ऑरेंजेस का प्राइस है 10 रुपया, 10 ऑरेंजेस का प्राइस है 11 रुपया, यहाँ से इस फॉर्मेट में यदि आप करें तो आप आसानी से परसेंटेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका तीन वे हुआ जहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया, और एक क्वेश्चन हम देखते हैं, इस तरह क्वेश्चन हम पिछले क्लास में भी चर्चा कर रहे थे कि मान लीजिए कि ए जो है बी को सेल करता है, बी क्या करता है सी को सेल करता है, और सी जो है क्वेश्चन, ए सेल से गुड टू बी एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, 20% प्रॉफिट पे जो है ए जो है बी को सेल कर देता है। दूसरा, एंड बी सेल्स इट टू सी एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%,
ये जो है 25% पे इसको सेल कर देता है। तो कह रहा है फाइनली जो इसका सी का जो प्राइस होता है, सी पेज फॉर इट जो है वो कितना है, 225 रुपये। ठीक है, सी को कितना पे करना पड़ता है, 225 रुपये। ए बी को सेल करता है 20% प्रॉफिट से, बी सी को सेल करता है बाय 25% प्रॉफिट लेने के बाद, तो सी को यदि 225 रुपये पे करना पड़े तो ए का प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए क्या होगा। ठीक है, तो देखिए सी का प्राइस यहाँ 225 है, तो बी का प्राइस तो हम इजी वे से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 225 मल्टीप्लाई बाय, देखिए एडो के हम लोग बैक जा रहे हैं है कि नहीं, तो क्या होगा नीचे में होगा 125, और ये जब बी का कॉस्ट प्राइस हो गया तो यहाँ पे आपका ए का कैलकुलेट हो जाएगा, कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100 बाय 125 मल्टीप्लाई बाय, इसके बैक में जा रहे हैं हम लोग 20%, मतलब हो गया 100 बाय 120। तो ये जो वैल्यू आएगा आपका, ये आपका सीधा आ जाएगा। ठीक है, या दूसरा तरीका आप इस तरह भी सोच सकते थे मान लीजिए, लेकिन वो भी थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। अच्छा, इसमें हम एक इक्विवेलेंट परसेंटेज थोड़ा सा इस पर हम बात कर लेते हैं जो आपको बाद में काम में आएगा। तो ए सेल किया बी को 20% प्रॉफिट, बी सेल किया सी को 25% प्रॉफिट से, तो ओवरऑल कितना जो है लाभ हो गया ये बताइए, मतलब कितना परसेंट इंक्रीमेंट हो गया। तो 20 यहाँ पे 20% है, पिछले क्लास में हम चर्चा कर रहे थे परसेंटेज में कि जो इक्विवेलेंट परसेंटेज का फॉर्मूला मेथड क्या है। तो इस केस में जो है कैसे निकाल लेंगे हम लोग, तो ए बी क्या था हमारा, ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100 क्या हो जाएगा, 20 प्लस 25 प्लस 20 इंटू 25 बाय 100, तो ये हो गया 50%। तो टोटल आपका जो हो गया 50%, अब इसका इक्विवेलेंट कितना हो गया 50%, मतलब यहाँ से ए से सी तक जाते आते जो आपका प्राइस था कितना इंक्रीज हुआ 50%। तो यहाँ सब सीधा कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह से आप कि 50% इंक्रीमेंट हुआ, सेल प्राइस यहाँ पे आप ले लीजिए 225, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, तो 225 मल्टीप्लाई बाई 100 एडो के अपोजिट जा रहे हैं तो 150। ठीक है, तो ये काट दीजिए यहाँ से, तो आपका कितना हो गया 150 रुपया हो गया आपका कॉस्ट प्राइस, 150 रुपया कॉस्ट प्राइस ए का था, उसको 20% प्रॉफिट लेने के बाद बी के पास आया और सी के पास, फिर उसके बाद फिर से सी का प्राइस आपका दिया हुआ था 225। तो इस केस में जो है आपका ए का जो कॉस्ट प्राइस हो गया कितना आ गया 150 और सी का दिया हुआ था, जिससे इक्विवेलेंट परसेंटेज से हम लोग इसमें निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये रहा। अच्छा, इसमें एक आता है डिजोनेस्ट शॉपकीपर, जितना वेरिएशन है सारा एक क्वेश्चन जो हम डिस्कस करते चलते हैं। तो डिजोनेस्ट शॉपकीपर बेईमान दुकानदार, तो बेईमान दुकानदार में क्या देता था, क्या किस तरह क्वेश्चन आप में आ सकता है, जैसे कोई दुकानदार जब सामान बेचता है तो जो बटखड़ा होता है, तो बटखड़े में क्या करता है, 1000 की जगह 950 ग्राम होता है या 900 ग्राम होता है, तो इस केस में वो यदि सेम प्राइस पे भी बेचे तो भी तो प्रॉफिट हो गए, क्योंकि बटखड़ा की वजह से 100 ग्राम जो है। इस केस में आप किस तरह से कैलकुलेट करिएगा ये देख लीजिए। मान लीजिए कि कोई भी डिजोनेस्ट शॉपकीपर जो है क्या करता है, 1000 ग्राम की जगह कितना यूज़ करता है बटखड़ा, 950 ग्राम मान लीजिए। ठीक है, तो इस केस में 1000 ग्राम की जगह यूज करता है 950 ग्राम, तो उसका यदि कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेल प्राइस, मतलब जितना में खरीदा था उतना में ही बेच रहा है, लेकिन लाभ के तौर पर बस क्या ले रहा है यहाँ पे 50 ग्राम, तो उसका परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए 950 ग्राम में प्रॉफिट कितना ले रहा है, 50 ग्राम, 950 ग्राम बेचने के बाद वो क्या कितना प्रॉफिट ले रहा है, 50 ग्राम। ठीक है, तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 50/950 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, मान लीजिए कि 1000 ग्राम की जगह 100 ग्राम यदि वो इरड उसका रहता, तो 1000 ग्राम की जगह कितना देता है, 900 ग्राम, तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा,
100/900 × 100। इसी तरह से जो आपका डिजोनेस शॉपकीपर का जो क्वेश्चन है, आप इस तरह से आप सॉल्व करिएगा। 950 पे 50। बाय द वे, एक हम लोग क्वेश्चन देखे हुए थे पिछले क्लास में कि 4 में बाय 2 गेट 1, दो खरीदने के बाद जो आपको एक फ्री है, तो इसका कितना आपका परसेंटेज प्रॉफिट आ रहा था आपका बाय टू गेट वन करने में? कैसे कहते थे, 1/3, मतलब प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 1/3 × 100, जो भी आएगा आपका, ठीक है। तो डिजोनेस शॉपकीपर भी उसी तरह से 950 ग्राम पे 50 ग्राम का आपका फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ से परसेंटेज प्रॉफिट निकाल लिए। यहाँ पे देखिए, 3 बेचने के बाद 1 प्रॉफिट हो रहा है, 3 में से 1 प्रॉफिट, 1/3, तो आप क्या कर रहे हैं, 1/3 × 100 करने से आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब तो चर्चा करते हैं जिसमें एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आया हुआ था वो किस तरह का क्वेश्चन आया हुआ था। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, ये आपका 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन कहता है, एक व्यक्ति अपने सामान को उसके क्रयमूल्य से 40% अधिक पे अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 40% बट्टा देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे क्या तीन चीज हो गया, कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस और मार्क प्राइस, ठीक है, जिस पे आप खरीदते हैं, जिस पे आप बेच रहे हैं, और जो मार्क प्राइस हो गया जिसमें आपका अंकित मान है। तो कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस से जो है आपका मार्क प्राइस जो है क्या करता है, 40% जो है ज़्यादा उस पर अंकित करता है। जब 40% यदि आपका 100 रुपया हो गया, तो कॉस्ट प्राइस पे जो है 40% ज़्यादा इंक्रीज करके दाम बिठा रहा है सामान के ऊपर, तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, तो 100 का 40% जोड़ देते हैं, हाँ क्या हो जाएगा, 100 × 140/100, यही तो होगा, क्या हो गया आपका 140, मार्क प्राइस हो गया 140। फिर क्वेश्चन कहता है कि अंकित मूल्य पर जो है 40% बट्टा देता है, बता इस पर डिस्काउंट हो गया आपका फिर से 40% जो है डिस्काउंट देने के बाद होता है, तो सेल प्राइस क्या हो जाएगा, 140 × 60, 100 − 40/100, ये आपका, तो जो भी आपका आ जाएगा यहाँ से आपका जो कितना हो गया, 84 रुपया प्राइस हो गया। अब क्वेश्चन है कि कितना परसेंट प्रॉफिट हो गया या लॉस हो गया, तो 100 रुपये में आप खरीदे, 84 रुपये में बेचना पड़ा आपको, तो आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ऑब्वियसली आपको लॉस हो जाएगा। कितना परसेंट का लॉस हुआ, तो 100 कॉस्ट प्राइस है, 84 रुपये में बेचे 16 रुपये, तो 16% जो आपका लॉस परसेंट हो गया, लॉस परसेंट जो है 16% हो गया, ठीक है, तो 16% हानि हो गया आपको। फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए, क्वेश्चन कहता है कि जो कॉस्ट प्राइस है वहाँ से मार्क प्राइस जो है 40% ज़्यादा अंकित करता है, 40% ज़्यादा अंकित कर दिया, कितना हो गया, 140 रुपये डिस्काउंट तो देगा मार्क प्राइस पे, तो 140 रुपये पे फिर डिस्काउंट देता है 40% डिस्काउंट देने के बाद उसका सेल प्राइस क्या हो जाता है, 84, बस 140 × 60/100 कर दिए, 100 − 40/100, तो 84 आ गया, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस ये है, सेल प्राइस ये है, तो परसेंटेज और प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस आपका कैलकुलेट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, कह रहे कि रवि ने 2 वस्तुएं प्रत्येक को 1500 में खरीदा, उसने एक वस्तु को 6% लाभ पर तथा दूसरे को 4% हानि पर बेचा, तो इस पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि क्या होगा। कह रहे 2 वस्तु है, मान लीजिए दोनों का जो कॉस्ट प्राइस है कितना है, 1500 रुपया, तो दोनों वस्तुओं का टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हो गया आपका, 3000 रुपया टोटल सीपी जो हो गया आपका, ठीक है। कह रहे कि एक पे जो है आपको 5% जो है प्रॉफिट, सॉरी 6% लाभ और दूसरे पे 4% हानि, एक पे जो है आपको 6% प्रॉफिट हो रहा है और एक पे जो है आपका लॉस हो रहा है कितना, 4%, ठीक है, दोनों कैलकुलेट कर लेंगे, ये कितना हो गया, 90 रुपया कॉस्ट प्राइस पे 1500 का 6% हो गया, ये आपका कितना हो गया प्रॉफिट,
लॉस कितना हो जाएगा देखिए, 60 रुपीस। तो टोटल जो हुआ आपका लॉस हो गया 60 रुपीस, प्रॉफिट हो गया 90। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया आपको, टोटल प्रॉफिट हो गया 30 रुपीस। टोटल प्रॉफिट हो गया 30 रुपीस। यहाँ से आप प्रॉफिट हो गया 30, तो कॉस्ट प्राइस 3000 है अब, और प्रॉफिट आ गया 30 रुपये। तो आपका जो परसेंटेज प्रॉफिट है 30/3000 मल्टीप्लाई बाय 100 करने से आ जाएगा, ठीक है। परसेंटेज प्रॉफिट यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। बाय द वे इस क्वेश्चन को देखिए, जब कॉस्ट प्राइस जब सेम है तो एक पे 6% प्रॉफिट है, इस पे 4% जो है लॉस है। तो ओवरऑल क्या कर सकते हैं कि 1500 का 6% माइनस 1500 का 4%, यही तो कर रहे थे हम लोग टोटल प्रॉफिट के या टोटल लॉस, ओवरऑल लॉस ओवरऑल प्रॉफिट के लिए। तो बेसिकली कर क्या रहे हैं, 1500/100 मल्टीप्लाई बाय 6-4, यही तो कर रहे थे। यहाँ से आप सीधा कह सकते हैं कि जब कॉस्ट प्राइस अब सेम है, एक पे 6% जो है आपका क्या है प्रॉफिट है, एक पे 4% लॉस है। तो टोटल कितना आपको प्रॉफिट लॉस हुआ, तो 6-4 2% हुआ, 1500 का 2% आ रहा है आपका 30 रुपये, ठीक है। इस तरह से भी आप सोच सकते हैं, तो ये क्वेश्चन रहा आपका। तो सीधा इजी क्वेश्चन आता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्वेश्चन है आपका 20 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य है 20 वस्तुओं का, वो जो है एक्स वस्तुओं के सेल के बराबर है। यदि कह रहा है कि प्रॉफिट परसेंट जो है आपका, यदि लाभ 25% है तो एक्स का मान क्या होगा, तो इस केस में जो आपका प्रॉफिट कितना आ रहा है 25%। कैसे कैलकुलेट करिएगा इसको, 20 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है एक्स वस्तुओं के सेल प्राइस के बराबर है, प्रॉफिट जो है 25% ओवरऑल है, तो आपको बताना है कि ये जो एक्स का जो वैल्यू क्या होगा, ठीक है। बाय द वे इससे पहले हम एक डिस्कस कर देते हैं। मान लीजिए कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल, ठीक है, ये दिया हुआ है। मतलब 20 का जो कॉस्ट है आप 16 में ही आप कमा लिए, सॉरी सेल प्राइस लिख दीजिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज इक्वल टू सेल प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल, मतलब 20 का जो कॉस्ट प्राइस है आप कितना किए, 16 में ही आप उसको ले लिए, मतलब 4 का जो कॉस्ट प्राइस है अभी भी उसको बाकी है, और 4 का जो सेल का जो है वो होगा वही आपका लाभ होगा। तो बाय द वे इस तरह के क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज इक्वल टू सेल प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स, इसको यदि हम लोग मान लें कि दोनों को गुना करने के बाद, या 16-20 के एलसीएम भी ले सकते हैं, मान लेते हैं कि टोटल जो दोनों तो बराबर है, ये हो गया आपका 16 × 20, ठीक है। अब 20 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस जो है आपका, कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल कितना है 16 × 20, तो एक का कितना हो जाएगा 16 रुपया हो जाएगा, ये कॉस्ट प्राइस हो गया। 16 आर्टिकल का जो सेल प्राइस है आपका 16 × 20, तो एक आर्टिकल का कितना हो जाएगा 20 रुपया हो जाएगा। तो यहां से आप निकाल सकते हैं क्या परसेंटेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा, देखिए 4 / कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। बाय द वे इसी बात को हम इस तरह से सीधा सीधी मेथड कहते हैं, कैसे, इसको ऐसे करिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इक्वल सेल प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल, 16 लिखिए या 20 लिखिए, ये आपका कॉस्ट प्राइस के सामने है, ये सेल प्राइस के सामने है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हो गया, ये सेल प्राइस हो गया, प्रॉफिट कितना हो गया 4 रुपया, तो परसेंटेज प्रॉफिट जो है आपका कितना हो जाएगा 4/16 × 100, ठीक है। इस तरह से आप इसको इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब आते हैं इस क्वेश्चन, तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन से, हमको पता है कि प्रॉफिट जो है 25% है, तो क्या करते हैं हम जस्ट दे देते हैं, ये हो गया x, ये हो गया 20, कॉस्ट प्राइस हो गया आपका x, सेल प्राइस हो गया 20, तो परसेंटेज प्रॉफिट जो है कितना हो जाएगा 20-x / x × 100, यही तो होगा।
और परसेंटेज प्रॉफिट का ही वैल्यू दिया हुआ है कितना 25%, मतलब इसको इक्वल टू कर दीजिए 25, यहीं से आपका तो आ जाएगा, ठीक है। तो फिर से एक बार देख लीजिए कि क्रॉस कर दिए, x यहां पे दे दिए, 20 यहां पे दे दिए, प्रॉफिट हो गया हमारा 20 माइनस x, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। तो जो प्रॉफिट हुआ 20 माइनस x बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई 100, ये आपका 25% जो है आपका क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। बैदी भाई यहीं से काट दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका x इक्वल टू 80 माइनस 4x, मतलब x इक्वल टू क्या हो गया 16, यही आपका हो गया। तो इजी क्वेश्चन है, यदि आप इस तरह से अप्लाई कर पाए तो। कुल मिला के जो क्वेश्चन था और जो भी वेरिएशन है प्रॉफिट एंड लॉस का, सारे टॉपिक पे हमने जितना क्वेश्चन था उसको कैसे सॉल्व किया जाए उस पर हमने डिस्कस कर लिया, और बेसिक कंसेप्ट जो था वो हम लोग कवर कर लिए। तो कुल मिला के यदि क्वेश्चन आना रहेगा तो आपका यहीं से आएगा, यदि अभी तो आ नहीं रहा है तो अच्छी बात है, यदि आना रहेगा तो यहीं से इसी कंसेप्ट से आएगा। तो इसको एक बार फिर से आप रिवाइज कर लीजिएगा और इस पे बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा जो सीटेट में जो आपका आया हुआ है। तो यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट में क्वेश्चन भेज दीजिएगा, हम उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर देंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं और देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली प्रॉफिट एंड लॉस हो गया है, तो टाइम एंड डिस्टेंस है उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में ज़्यादा समय नहीं देते हैं क्योंकि हमारा पेडागोजी पार्ट जो अभी तक बचा हुआ है, तो उसको हम उसको भी हमको कवर करना है। तो आज के लिए दोस्तों इतने ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।